हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको अभी पिछले वीडियो में बताया कि जरोधा के अंदर आप एसबीआई कार्ड आईपीओ के लिए किस तरह से आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर अब आपको अभी स्टॉक्स के अंदर किस तरह से अप्लाई करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। बट एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिससे काफी लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सर्वर बहुत ज्यादा डाउन जा चुका है क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं कि वहां पर सर्वर पूरी तरह से डाउन हो चुका है। ये मैं आपको अभी स्टॉक्स अकाउंट में जब अप्लाई कर रहा था, आपके लिए वीडियो बना रहा था, तब क्या प्रॉब्लम आ रही थी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो पेमेंट का ऑप्शन है वो नहीं आ पा रहा है क्योंकि सर्वर डाउन आ रहा है, मैसेज वहीं पर कंटिन्यू यही आ रहा है कि सर्वर डाउन है और आप थोड़ी देर बाद ट्राई करें। तो पेमेंट का जो ऑप्शन है वो मैंने जरूरत के लिए जो भीम ऐप में मेरी रिक्वेस्ट आई थी वही मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके दिखा दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए कि जब भी आपकी रिक्वेस्ट आपको मिल जाती है तो आप किस तरह से पेमेंट करेंगे, ये चीज आप उसमें देख लीजिएगा। बस अभी सर्वर डाउन चल रहा है, बहुत से लोग परेशान हैं, परेशान ना होए, कंटिन्यू अप्लाई करते रहें, हार नहीं मानना है हमको, कंटिन्यू अप्लाई करते रहना है, सिर्फ एक ही लॉट डालकर ट्राई करते रहें क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी हो रहा है कि ज्यादा लॉट डाल रहे हैं बट एक ही लॉट की पेमेंट कट ऑफ हो रही है वहां पर, तो एक ही लॉट की पेमेंट जा रही है यानी कि उन्होंने इतना कर दिया है कि सिर्फ एक ही लॉट बुक हो सके। अभी मार्केट बंद होने के बाद, बुकिंग क्लोज होने के बाद आज की पता चलेगा कितना ज्यादा, कितना टाइम्स यहां पर सब्सक्रिप्शन हुआ है मार्केट में एसबीआई कार्ड आईपीओ में। मुझे तो लगता है अभी तक जो सब्सक्रिप्शन हुए सबका रिकॉर्ड ब्रेक करने वाला है ये। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से आप स्टॉक्स के अंदर आप एसबीआई कार्ड आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से लोगों में शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेट रह सके। तो गाइस, सपोर्ट जरूर करके चलिएगा मेरे चैनल को। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी बैगर वर्ल्ड। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अभी स्टॉक्स के अंदर आप आईपीओ के लिए किस तरह से अप्लाई कर सकते हो। अभी हमारा जो एक्टिव आईपीओ है वो एसबीआई कार्ड आईपीओ है, तो एसबीआई कार्ड आईपीओ को किस तरह से आप बाय कर सकते हैं ये मैं आपको अभी स्टॉक्स के अकाउंट में बताने वाला हूं। तो यहां पर आपको अपना स्टॉक्स का अकाउंट ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको यहां पर लेफ्ट साइड में अपर पर यहां पर आपको टॉप पर 3 पॉइंट दिख रहे होंगे, तो यहां पर आपको अपनी ओपन कर लेना है ऑप्शंस को। यहां पर सबसे पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर आईपीओ, तो अप्लाई फॉर आईपीओ को हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर एक न्यू विंडो ओपन होकर आएगी जहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि एक्टिव आईपीओ है एसबीआई कार्ड्स का, जहां पर इसकी क्वांटिटी है अभी 19 एक लॉट में और उसका जो प्राइस रेंज है 750 से 755 है। यहां पर डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे तो डिटेल्स में हम जाते हैं तो यहां पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है बट इसकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं और बाकी डिटेल्स तो आप जान ही चुके हैं इस बैंक के बारे में, एसबीआई कार्ड के बारे में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी ऑप्शन दिया जा रहा है यूपीआई आईडी के लिए दिया जा रहा है और इंडिविजुअल और शेयर होल्डर्स में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है तो इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लें, शेयर होल्डर हैं तो शेयर होल्डर सिलेक्ट कर लें। अगर 20 फरवरी से पहले यानी कि 20 फरवरी तक आपने कोई एसबीआई बैंक का शेयर होल्ड किया हुआ है तो आप शेयर होल्डर्स में सिलेक्ट करेंगे और वरना आप इंडिविजुअल में सिलेक्ट करें अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, पहले से होल्डिंग नहीं है आपके पास। बस ये है कि 18 फरवरी को आपने खरीदा होगा तो 20 फरवरी तक आप उसके शेयर होल्डर हो चुके होंगे तभी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डालनी है, मैं यहाँ पर अपनी भीम यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ। तो ये मैं अपनी भीम यूपीआई यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इंडसइंड बैंक का यूपीआई का, तो यहाँ पर मैं यूपीआई सेलेक्ट कर लूँगा अपना और यहाँ पर इलाहाबाद बैंक है और यहाँ पर ओके एक्सिस है और ओके एचडीएफसी है और YBL है, तो ओके वाले जितने भी हैं वो गूगल पे के हैं और यहाँ पर YBL जो आपका लिखा हुआ है सबसे नीचे सेकंड नंबर पर तो ये आपका फ़ोन पे वाला है। और यहाँ पर अगर मैं UPI सेलेक्ट कर लेता हूँ अकेला सिर्फ UPI तो यहाँ पर UPI में मुझको यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा इसमें और ज़रूर था मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाता था, तो यहाँ पर मैंने UPI सेलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर अब मुझे सिर्फ कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो देखता हूँ आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा है कि आप लॉट सेलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर लॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही लॉट में अप्लाई करना है, क्योंकि एक लॉट मिल जाए बहुत बड़ी बात है क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ओवर होने वाला है। अगर ओवर होगा तो लॉटरी सिस्टम होगा, लॉटरी सिस्टम में आपने कितने भी अप्लाई किए होंगे लॉट सिर्फ आपको एक ही लॉट दिया जाएगा। और यहाँ पर जो प्राइस हमको डालना है तो यहाँ पर हम 750 भी डाल सकते हैं, 755 भी डाल सकते हैं, बीच का प्राइस भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ जो इसका लॉट
जो इसका प्राइस सबसे हाई है वही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, तो कट ऑफ मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर, और यहाँ पर आप सेकंड क्वांटिटी भी डाल सकते हो, एक और लॉट आपको डालना है 19, या फिर आप यहाँ पर 38 भी डाल सकते हैं, दो लॉट हो जाएंगे आपके। और यहाँ पर भी आप प्राइस फिल कर सकते हो, तीन जगह आप अलग अलग प्राइस फिल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी एक ही अप्लाई किया है, क्योंकि एक ही मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर मैं इनकी सारी कंडीशंस को ओके करके, और यहाँ मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो कंटिन्यू पर यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ, सारी चीज़ें कन्फर्म हैं, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो अब ये जो आईडी मैंने डाली है अपनी यूपीआई भीम की आईडी, तो यहाँ पर मुझे एक मैंडेट रिक्वेस्ट आएगी जिसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगी, और पेमेंट करने के बाद वो अमाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो कि करीब 14,345 का अमाउंट है, तो वो अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा वहाँ पर जब मुझे शेयर्स मिल जाएंगे, तो वो अमाउंट वापस नहीं होगा, यानी कि वो फिर कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा। अगर नहीं मिल पाता है तो एक्सचेंज मेरे अकाउंट में वापस वो रिटर्न कर देगा पैसे। और यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं अब ये ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, तो सर्वर पूरी तरह से डाउन आ रहा है, सर्वर पूरी तरह से डाउन आ रहा है, बट मैंने ज़रूरत में यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो सेम वही प्रोसेस रहेगी, उसी का मैं आपको मैंडेट डाल देता हूँ, किस तरह से आपकी अगर रिक्वेस्ट आ जाती है तो आप किस तरह से पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट आपकी वहाँ पर फिर ब्लॉक हो जाएगी जब आपको शेयर मिल जाएगा। तो गाइज आपको अपना ऐप ओपन कर लेना है, जिससे भी आपने अपनी यूपीआई आईडी दी हुई है, तो यूपीआई आईडी में आपको एक रिक्वेस्ट आएगी, तो यहाँ पर भीम यूपीआई के अंदर आईपीओ का ऑप्शन है, तो आईपीओ के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पेमेंट रिक्वेस्ट है इनकी 14,345 की यहाँ पेमेंट रिक्वेस्ट आई है, तो यहाँ पर मुझे प्रोसीड कर देना है, अगर डिक्लाइन करोगे तो आप वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन जो दिया गया है, यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म कर देना है, और कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट कर देनी है। तो मैंडेट जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली गई है, पेमेंट हो चुकी है, पेमेंट यहाँ पर एक्सचेंज के पास पहुँच चुकी है। अगर मैं सेलेक्ट हो जाता हूँ तो पेमेंट फिर वापस नहीं मिलेगी, पेमेंट वहीं पर चली जाएगी कंपनी के अकाउंट में, और अगर लॉट नहीं मिल पाता है तो ये पैसा तुरंत मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। तो अब इंतज़ार करेंगे हम सिर्फ आईपीओ मिलने का। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए गुड बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।